फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मार्क्सिस्ट महीना का गुरुवार है। आज के दिन में उड़ीसा में हर घर में माँ लक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है। झोटी चीता बनाया जाता है। भोर 4 बजे से उठ के लोग साफ सफाई करके माँ को हल्दी पानी में नहलाते हैं। तो मैं लक्ष्मी माता को हल्दी के पानी में नहा ली हूँ। तो ये मैं भी नहा दी हूँ। ये मेरे पास 2 हाथी है, इसको भी मैं नहा दी हूँ। आज मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हम लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का, गणेश जी का भी पूजा करते हैं। तो ये मैं बाहर में माँ को बंदा के ला रही हूँ। देखिए, मेरा मुंडी भी कट गया है। सबका पूजा करने का जो तरीका होता है, सबका थोड़ा अलग अलग होता है। कोई कोई यहाँ कलश भी बिठाते हैं, तो मैं माँ से जैसे सीखी हूँ बस वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ मैं फल भोग लगा दी हूँ। सबसे पहले यहाँ भगवान जी को मैं सजा दी थी, दिया जला के। सबसे पहले भोग लगता है पंचामृत, फल भोग लगता है। मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ क्योंकि अभी पीठा बनाना है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, हाय। तो पीठा बहुत तरह का होता है, सब कोई अलग अलग पीठा बनाते हैं। तो मेरे यहाँ मंडा पीठा बनता है। मेरा सुबह का जो सकाल धूप होता है वो मेरा खत्म हो चुका है, तो अब मैं पीठा बना लूंगी। तो ये मैं मूंग का दाल बना रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा घी डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे, फिर इसको बना लूंगी मैं। तो आज अरुआ चावल बनता है, तो यहाँ चावल बना रही हूँ। मंडा पिठा या आटा का गुजिया का रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैं सूजी का पिठा बनाने वाली हूँ। अब पिठा बनाने के लिए यहाँ मैं पानी को गर्म कर दी हूँ, इसमें थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, क्योंकि हमारा जो डो होगा इसी से वो चिपकेगा नहीं। अब इसमें हम सूजी को डाल देंगे, तो इसको एक बॉयल आने देते हैं। तो हमारा बॉयल आ गया है, तो अब इसको हम धीरे धीरे चलाते चलाते डो जैसे बना लेंगे। तो ये डो हमारा बन गया है, अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने से जैसे हम मोदक बनाते हैं या गुजिया बनाते हैं, वैसे ही स्टफिंग डाल के गुजिया बना लेंगे। तो ये हमारा दाल चावल और ये हमारा टमाटो खट्टा सब रेडी हो गया है। देखिए, यहाँ मैं शेप थोड़ा चेंज कर ली हूँ, गोल गोल बना दी हूँ। इसके अंदर मैं नारियल और चीनी का स्टफिंग डाली हूँ, इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ मैं घी गरम कर दी हूँ, अब इसमें हम पीठा को डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको दोनों साइड से छान लेंगे। तो ये हमारा पिठा रेडी हो गया। तो बाकी सबको भी ऐसे ही छान लेते हैं। तो ये देखिए, मेरा सारा पिठा बन के रेडी हो गया है। नमस्ते कमला मागो सागर दुलणी, नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु का घरणी, पीठा और खीर का भोग लगा रही हूँ। खीर मैं दिखाई नहीं, क्योंकि खीर का वीडियो भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का पूजा मेरा हो गया। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये मेरा पूजा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक बाय।